मॉनसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ, उसके पश्चात आप सबके सामने हम सब लोग आए हैं। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्सपेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और ये घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। इसको विस्तार में चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी आपके पहले बात रखेंगे, माननीय पीयूष जी अपनी बात रखेंगे, हमारे नेता सदन राज्यसभा। लेकिन जिस तरह का काम करने का तरीका या काम में रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया है, उससे उनको देश से माफी मांगनी ही चाहिए।